व्हाट्स अप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग ओके। यार इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं बहुत बड़े से वेयर हाउस में हूँ। ये दराज का वेयर हाउस है। दो हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं दराज के लिए मॉडल बना था एक दिन के लिए, और उस पर आप सब लोगों का बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स आया था और वो वीडियो दराज वालों को भी बड़ी पसंद आई थी। तो कल मुझे दराज की तरफ से कॉल आई, देवर लाइक यार हमारे पास आपके लिए एक चैलेंज और है, क्या आप कभी डिलीवरी बॉय बने? वैसे हैं डिलीवरी बॉय, देवर लाइक आप एक काम करें आ जाएँ। अभी मैं इधर आया हूँ और बेसिकली वेयर हाउस के अंदर सीन ये है कि मेरी आज एक है रेस। इस रेस के अंदर दो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एक है पीरू साई और एक है हमजा उज़ लाइक एन इंस्टाग्रामर, और आज बेसिकली हमें दराज का डिलीवरी गाय बनना है। सो बेसिकली होगा ये कि हमें एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, हमें इस वेयर हाउस के अंदर से वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, उन प्रोडक्ट्स को पैक करके पूरे प्रोसेस के थ्रू निकलवाना है और फिर पर्सनली जाके उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के घर पे डिलीवर करना है। एंड हुएवर विंस उसके एक सब्सक्राइबर को दराज देगा एक बहुत अमेजिंग किस्म का गिफ्ट हैम्पर। ये देखो यहाँ पे खड़े हुए हारने वाले लोग, ये एक हारने वाला, ये एक हारने वाला ये। तो बेसिकली अभी सीन ये है कि हम अपनी रेस शुरू करने जा रहे हैं एंड देन विल सी कि कौन जीतता है। अच्छा भाई, तो दराज वालों ने ये पिक लिस्ट दे दी है और सारी गेम जो है ना वो इस पिक लिस्ट की है। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि कौन से आयल में, कौन से शेल्फ में, कौन सी बास्केट के अंदर वो आइटम पड़ा हुआ है जो भागकर मुझे उठाना है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जुनेद जमशेद फेस्टिव कलेक्शन वॉल्यूम 2 3 पीस सूट फॉर वेमेन, दो पीसेज उठाने। लेट द गेम्स बिगिन। अच्छा भाई, तो मैं हूँ GO2B10102। ओके, सो दैट्स FO2 GO2 GO2 का, दैट्स GO1 GO2 वाला, दिस फन GO2B10102। अरे जुनेद जमशेद 1, जुनेद जमशेद 2 भाई, बास्केट। अच्छा भाई, बास्केट आ गई है, ये भाई लेकर आ गए। और ये बास्केट नहीं यार, मैं ही लेकर जाऊंगा, मेरी रेस है। तो ये किस पर रखनी है बास्केट मुझे? यार देखिए, पहली बार मैं वेयर हाउस में आया हूँ तो थोड़े बहुत तो मसले होंगे। तो हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं, अब मुझे ये दो आइटम्स को अपेंडली स्कैन करना है और उनको फायर में डाल के इस कन्वेयर बेल्ट में डालना है। तो स्कैनर, फाइनली पैक हो गया, अब हम भेजेंगे इसको इस कन्वेयर बेल्ट। बिस्मिल्लाह। और भाई ये आइटम कन्वेयर बेल्ट की दूसरी साइड पर आ गया और अब मुझे इसको उठाकर लेकर जाना है उधर। चलो भाई, आइटम को भिजवाने का टाइम आ गया। यार हटो सब, ओए हटो यहाँ से। हैप्पी टू बी नंबर 1। अच्छा भाई, तो पैकेज हमने उठा लिया, पैक कर लिया और अब हम जा रहे हैं पैकेज को डिलीवर करने और फिर देखते हैं कि कौन पहले पहुंचता है। पीरू और हमजा अपने रास्ते में हैं और मैं भी अब जा रहा हूँ। लेट्स सी हू गेट्स देयर फर्स्ट। अच्छा भाई, तो मैं अपना पैकेज लेके घर पर आ गया हूँ और अब मैं फ़ौरन से डिलीवर करूँगा और फिर मैं मीटिंग पॉइंट की तरफ भागूँगा, क्योंकि मीटिंग पॉइंट पर जो भी पहले पहुँच गया वो जीत जाएगा। तो अभी हम जाते हैं ये पैकेज डिलीवर करने। अब चलते हैं मीटिंग पॉइंट की तरफ। अच्छा भाई, तो सीन ये है कि मैंने डिलीवरी कर दी है और अब हमें डिलीवरी करने के बाद एक मीटिंग पॉइंट पर पहुंचना है और अभी बस मैं उस मीटिंग पॉइंट पर पहुंच रहा हूं और जो भी उस मीटिंग पॉइंट पे पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। एक अबे यार भाई, तो सीन ये है कि बॉयज़ अपेरेंटली मुझसे पहले पहुँच चुके हैं
and apparently I was the last one to shoot. ये हीरो मेरे ख्याल से पहले पहुँचे हैं ये दो बॉय बाद में पहुँचे हैं सही है सही है सही है क्या तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें एक मीटिंग पॉइंट पर आना था पीरू जो है वो रेस जीत चुका है तो आई गेस जो गिव अवे है वो पीरू के किसी फैन को मिलेगा आई एम डिसअपॉइंटेड कि मेरा कोई फ़ैन नहीं जीत सका बट अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने दबा के जो है वो गिव अवेज दिए हैं अपने फैंस को तो आई थिंक मेरे फैंस इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे खैर बट यार मुझे एक एक्सपीरियंस जो मुझे आज हुआ है वो ये हुआ है कि दिस इज़ अ वेरी इट्स अ वेरी क्रेजी प्रोसेस यार मतलब बड़ा जब आप ऐसा बायर देख रहे होते हैं तो आपको होता है कि बस यार मुझे फ़ौरन मिल जाए आज क्यों नहीं आया ये नहीं है वो नहीं है बट आज जब मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूँ कि किस तरह ऑर्डर आता है किस तरह जाके वेयर हाउस में से चीज़ें निकालनी होती हैं सारी जो चीज़ें होती हैं उस प्रोसेस से गुजरने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार आई मीन आई नीड टू गो ईजी ऑन दराज व्हेनेवर आई ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम देम और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी था मतलब आई थिंक वॉज अ वेरी वेरी फन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस So thank you Daraz for giving me this opportunity and thank you Hamza and Piru for being a part of this race with me. I hate you Piru but it's okay. Agli episode tak ke liye ijazat dijiye. This is me Ramesh Sapa signing out. Take care. Allah Hafiz.